Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is our channel Chemistry for Beginners and I am Mehvish Parvez with you. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूवी कैलकुलेशंस ऑफ लैम्डा मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड फीजर्स रूल. तो आज हम देखेंगे कि कौन से कंपाउंड यूवी की मैक्सिमम रेडिएशंस को, मैक्सिमम वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं. वो पॉइंट हम देखेंगे वुडवर्ड फीजर्स रूल के अकॉर्डिंग. तो इन कैलकुलेशन से पहले कुछ चीजें हमें वाजह होनी चाहिए, उनको हम देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं डाइईन सिस्टम किसे कहते हैं. डाइईन सिस्टम हम कहते हैं ऐसा सिस्टम जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो. डाइईन सिस्टम को फर्दर हम टू क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं. एक फर्स्ट वन हमारे पास आती है क्लोज्ड और साइक्लिक डाइईन, क्लोज्ड और साइक्लिक डाइईन्स. और सेकंड हमारे पास आती हैं ओपन चेन डाइईन्स. क्लोज्ड और साइक्लिक डाइईन्स को फर्दर टू क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट वन है हमारे पास हेट्रो एनुलर डाइईन्स, सेकंड वन है होमो एनुलर डाइईन्स. हेट्रो एनुलर्स की अगर हम बात करते हैं, ये वो डाइईन्स होती हैं जिसमें जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हो वो डिफरेंट रिंग के अंदर प्रेजेंट हो. और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ट्रांसवाइड होती है और इसकी जो बेस वैल्यू होती है वो 214 नैनोमीटर होती है. इसके एग्जांपल्स के थ्रू देखें, ये सामने आपको एग्जांपल्स नजर आ रही होगी जो हेट्रो एनुलर डाइईन की है. इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड टू डिफरेंट रिंग के अंदर प्रेजेंट है और ये एक ट्रांसवाइड कॉन्फ़िगरेशन भी है, ठीक है. और नेक्स्ट हमारे पास आती है होमो एनुलर डाइईन्स. होमो एनुलर डाइईन्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो डबल बॉन्ड होते हैं वो विद इन द सेम रिंग होते हैं और सेम रिंग में होने की वजह से जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो सिसोइड होती है. और इसके लिए जो हम बेस वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं 253 नैनोमीटर. नेक्स्ट हमारे पास आती है ओपन चेन डाइईन्स. ओपन चेन डाइईन्स की अगर हम बात करें तो इन्हें हम एसाइक्लिक डाइईन्स भी कहते हैं और इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ट्रांसवर्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है. और इसके लिए जो बेस वैल्यू हम लेते हैं वो 217 नैनोमीटर, 217 नैनोमीटर लेते हैं. और इसमें ये आपको सामने एग्जांपल्स नजर आ रही होगी. तो इसमें जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड बैकबोन है वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन की है. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं अल्काइल ग्रुप्स. अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? अल्काइल ग्रुप जो है वो हम लेते हैं एसाइक्लिक डाइईन या फिर ओपन चेन डाइईन्स की केस में. इसमें ये होता है कि जो ओपन चेन बैकबोन होती है, कॉन्जुगेटेड बैकबोन होती है, उसके साथ जो अटैच्ड जितने भी एटम्स होते हैं या बॉन्ड आप कह लें, उन्हें हम अल्काइल ग्रुप्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स देखिए नीचे, ये रेड बॉन्ड जो मैंने शो किए हैं ये कॉन्जुगेटेड बैकबोन है और इसके साथ ही जो ब्लू वाले जितने फोर बॉन्ड अटैच है तो इन्हें हम कह सकते हैं कि ये इसके अल्काइल ग्रुप है. और अल्काइल ग्रुप के लिए इंक्रीमेंट की वैल्यू जो हम वुडवर्ड फीजर रूल के अकॉर्डिंग यूवी कैलकुलेशन करते हुए लैम्डा मैक्सिमम के किसी भी कंपाउंड की, तो उसके अंदर हम ऐड करते हैं 5 इंक्रीमेंट. और अगर एक अल्काइल ग्रुप है तो उसमें हम 5 का इंक्रीमेंट कर देते हैं. अगर 2 है तो 10, 3 है तो 15 और अगर 4 हो तो 20 एंड सो ऑन. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रिंग रेजिड्यू. रिंग रेजिड्यू हम किसे कहते हैं? ये हमारे पास साइक्लिक डाइईन की केस में होता है. होमो एनुलर भी हो सकते हैं, हेट्रो एनुलर भी हो सकते हैं. और इसमें क्या होगा कि जो कॉन्जुगेटेड बैकबोन होगी उसके साथ अटैच जो बोन होंगे उन्हें हम रिंग रेजिड्यू कहते हैं. और इसके लिए भी हम इंक्रीमेंट 5 का ऐड करते हैं. अगर 1 होगा तो हम 1 × 5 ऐड करेंगे, 2 होगा तो 2 × 5, 10 एंड 15 एंड 20 एंड सो ऑन. इसकी एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करें. ये देखिए हमारे पास कॉन्जुगेटेड बैकबोन हमारे पास गिवन है जो कि रेड बॉन्ड से मैंने शो की है और इसके साथ जो अटैच्ड बॉन्ड है वो ब्लू से और जो ब्लू वाले हैं वो इसके रिंग रेजिड्यू है. तो इसमें 4 टोटल रिंग रेजिड्यू है तो इसमें हम 4 × 5 = 20 का इंक्रीमेंट हम ऐड करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन. एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन से मुराद ऐसी कॉन्जुगेशन है जो कॉन्जुगेशन के साथ एक फर्दर एक और कॉन्जुगेशन आ जाए. यानी कि कॉन्जुगेटेड बैकबोन तो हम लेंगे ही लेंगे, उसके साथ एक मजीद अगर कॉन्जुगेशन आ जाती है उसे हम एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कहते हैं. इसके लिए जो हम इंक्रीमेंट ऐड करते हैं वो 30 का ऐड करते हैं. और अगर एक कॉन्जुगेशन है तो उसके लिए हम 30 और अगर 2 हो जाएंगे तो 60 एंड देन 30, 60 एंड 90 एंड सो ऑन. तो एग्जाम्पल में देखिए हमारे पास इसमें कॉन्जुगेटेड बैकबोन है एक और उसके साथ फर्दर एक और कॉन्जुगेशन जो है वो अटैच्ड है और इसे हम कहते हैं
कि इसमें हम इंक्रीमेंट 30 का ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर बिगिनर्स के ऊपर आप एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, इससे प्रीवियस वीडियो थी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के ऊपर, नीचे मैंने लिंक भी दे दिया गया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी फील हो तो आप उस वीडियो को पहले अंडरस्टैंड करें, अच्छे से समझें, देन यूवी कैलकुलेशंस करेंगे। तो होप्स हो कि आपको बहुत अच्छी समझ लगेगी। लेकिन फर्दर मैं बता देती हूँ कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता क्या है। ऐसा डबल बॉन्ड होता है जो कॉन्जुगेटेड बैकबोन का पार्ट होता है, रिंग के आउटसाइड होता है, और इसकी जो एक डबल बॉन्डेड कार्बन होती है वो रिंग का पार्ट होता है। तो इंक्रीमेंट इसके लिए हम 5 का ऐड करते हैं। नीचे आप देख सकते हैं एग्जांपल में कि हमारे पास कॉन्जुगेटेड बैकबोन है, उसके अंदर ये जो मैंने ब्लू से शो किया गया ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक ही एक तरह का ये डबल बॉन्ड है, सेकेंड इसमें ये कॉन्जुगेटेड बैकबोन का पार्ट है, थर्ड ये आउटसाइड द रिंग भी है, और फोर्थ वन ये कि इसकी एक डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो रिंग का पार्ट भी है। तो इस तरीके से इसमें इस एग्जांपल में या इस कंपाउंड में एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम इंक्रीमेंट 5 का ऐड करेंगे। फर्दर मैं मजीद आपको कहती जा रही हूँ कि आप इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले वीडियो को देख लीजिए, लिंक दे दिया गया है, आप इस लिंक को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं और फौरन से आपके सामने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वीडियो ओपन होगी। आप उसको समझें, देन इसको करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स के थ्रू हम कैलकुलेशंस की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल में हम सबसे पहले तो हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें गिवन है हमारे पास। तो एक तो हमारे पास हमने सबसे पहले फाइंड करनी है कॉन्जुगेटेड बैकबोन, यानी कि वो हमारे पास डाइन जो सिस्टम है वो कौन सा है। तो इसमें हम देखते हैं इसमें जो रेड बॉन्ड शो किए हैं वो एक कॉन्जुगेटेड बैकबोन है, और ये कौन सी है, हेट्रोडाइन। तो हेट्रोडाइन के लिए मैंने बेस वैल्यू आपको पहले बता दी है जो कि है 214 नैनोमीटर। देन इसमें हम देखते हैं इसके रिंग रेजिड्यू, रिंग रेजिड्यू क्योंकि ये रिंग है। साइक्लिक डाइन की सिचुएशन में मैंने बताया था कि अगर होमो हो या हेट्रो तो उसमें हम रिंग रेजिड्यू काउंट करते हैं, अगर यही ओपन होता तो हम इसमें अल्काइल ग्रुप्स फाइंड करते हैं। अब हम रिंग रेजिड्यू इसमें फाइंड करेंगे, तो इसमें हमारे पास कॉन्जुगेटेड बैकबोन के साथ अटैच जितने भी बोन है वो इसके रिंग रेजिड्यू है। इसमें टोटल 4 है, तो 4 को अगर हम इसके 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 नैनोमीटर आता है। क्यों? क्योंकि हम एक रिंग रेजिड्यू के लिए 5 का इंक्रीमेंट ऐड करते हैं, तो 4 के लिए 20 का होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर ये हमारे पास साइक्लिक है तो हम इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी देखेंगे। इसमें हमारे पास एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो हम इसके लिए हम इंक्रीमेंट 5 का ऐड करेंगे, और टोटल हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास आएगी थ्योरेटिकल वैल्यू 239 नैनोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में भी हम सबसे पहले देखेंगे हमें कॉन्जुगेटेड बैकबोन कौन सी गिवन है। इसमें भी हमारे पास हेट्रोडाइन बेस वैल्यू गिवन है जिसकी वैल्यू है 214 नैनोमीटर। 214 नैनोमीटर और रिंग रेजिड्यू इसमें हमारे पास कितने हैं जी, 1 ब्लू में शो किए गए हैं जो कि 4 to 5 20 नैनोमीटर, और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है इस रिंग के अंदर जो मैंने सर्कल किया गया है, आप उसको देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसको अगर अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब आप आपको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की समझ होगी। तो इसमें 1 है, तो 1 × 5 = 5 नैनोमीटर, एंड देन टोटल थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्सिमम फॉर दिस कंपाउंड इज 239 नैनोमीटर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एग्जांपल्स देखें। ये हमारे पास कौन सी डाइन है जी, बिल्कुल ओपन डाइन, या फिर इसे हम एसाइक्लिक डाइन भी कहते हैं। तो इसके लिए बेस वैल्यू थी हमारे पास 217 नैनोमीटर, और अब ओपन चेन है, तो ओपन चेन के लिए हम लिखते हैं अल्काइल ग्रुप्स। तो इसमें हमारे पास जो कॉन्जुगेटेड बैकबोन है उसमें 1 अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो 1 × 5 = 5 नैनोमीटर। तो इसके लिए जो टोटल थ्योरेटिकल वैल्यू बनती है वो 222 नैनोमीटर बनती है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, तो इस एग्जांपल में हमारे पास रिंग तो है लेकिन हमने देखना है कॉन्जुगेटेड बैकबोन। जो कॉन्जुगेटेड बैकबोन है इसमें हमारे पास ओपन है, ओपन के लिए या फिर एसाइक्लिक के लिए जो बेस वैल्यू हम यूज करते हैं वो 217 नैनोमीटर यूज करते हैं। और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इसमें हम देखेंगे, एक इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन के लिए हम यूज करते हैं 30 का इंक्रीमेंट, 13 × 1 = 30 नैनोमीटर, और इसमें अब ये ओपन है तो इसमें हम देखेंगे अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप इसमें टोटल 1, 2 and 3 है, तो 3 × 5 = 15 नैनोमीटर, और टोटल थ्योरेटिकल वैल्यू जो इसके लिए आती है वो हमारे पास आती है 262 नैनोमीटर टू 62 नैनोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल में देखें। इस एग्जाम्पल में हमारे पास 2 कॉन्जुगेटेड बैकबोन बन रही है। अब एक है हमारे पास हेट्रो, एक बन रही है होमो। तो हेट्रो के लिए जो बेस वैल्यू होती है वो होती है 214 नैनोमीटर,
और जो होमो वैल्यू होती है वो होती है 253 नैनोमीटर। तो 253 नैनोमीटर की जो बेस वैल्यू है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू 214 नैनोमीटर। तो हम इसमें होमो को प्रेफर करेंगे, होमोडाइन को प्रेफर करेंगे जिसकी वैल्यू होगी हमारे पास 253 नैनोमीटर। और इसके लिए हम एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन देखें तो इसमें हमारे पास 2 एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है, 2 × 30 = 60 नैनोमीटर। और अब हम देखेंगे इसमें रिंग रेजिड्यू के लिए अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास, अब हमने जो रिंग रेजिड्यू लेने हैं वो ओवरऑल कॉन्जुगेशन के बाद वाले काउंट करेंगे, जस्ट कॉन्जुगेटेड बैकबोन होमो के अलावा, होमो ही नहीं बल्कि उसके साथ जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है उसके भी जो भी इसके साथ बॉन्ड अटैच होंगे वो हमारे पास रिंग रेजिड्यू काउंट करेंगे हम इसमें। तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर हम देखें तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ रिंग रेजिड्यू बनते हैं वो बनते हैं 5। तो 5 × 5 = 25 नैनोमीटर। और अब हम इसमें देखते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इसमें एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, जस्ट वन एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है और एक के लिए हम इंक्रीमेंट ऐड करते हैं 5 का। तो 5 × 1 = 5 नैनोमीटर। और इसके लिए जो थ्योरेटिकल वैल्यू हमारे पास आती है लैम्डा मैक्सिमम की वो आती है 2343 नैनोमीटर। नेक्स्ट हम एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं तो इसमें भी हमारे पास देखें एक है हेट्रोकेस बन रही है होमो, और होमो को प्रेफर करेंगे 253 नैनोमीटर। एंड देन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एक है तो 130 नैनोमीटर आ जाएगा। रिंग रेजिड्यू इसमें टोटल है 6, तो 6 × 5 = 30 नैनोमीटर। और इसमें जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है वो आते हैं 1, तो 1 × 5 = 5 नैनोमीटर। एंड थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्सिमम फॉर दिस इज इक्वल टू 318 नैनोमीटर।